वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन ब्रेक में हमें ज्वाइन किया कायद ने। आइए देखते हैं कायद हमारे लिए आज क्या लेकर आए। इससे पहले कि ये गाए मैं इनको कुछ कहना चाहूंगी। प्लीज प्लीज आई लव यू नहीं बोलना है। बंदे का मुंह मत्था भी होना चाहिए आई लव यू कहने के लिए। मैं इधर बैठी हुई थी और पीछे से मुस्तकिल गड़ाच पड़ाच की आवाजें आ रही थी। कौन था वो? ये आदमी वैशी दरिंदा पीछे बैठ के ना जिंगर खा रहा था। सुलह नहीं मारी। अच्छा खरे कितो मांग के लिया तुम? मैं बिल्कुल मांग के नहीं लाया, वो उन्होंने अपनी मर्जी से दिया मुझे। वो दुकानदार ने इंज करके कहता है ना कि भाई फेंकना नहीं। ए जो तो बर्गर वाली दुकान पे जांदा ना जी, दुकान वाले ने सिर्फ इंदा ही कहता है, समझ तो गया ही हो। नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं कहता, ये जाके इतना बुरा गांदा कहता दे यार जान छुड़ा दे। अच्छा जी, आज क्या सिचुएशन सोच के आपने बनाया गाना? सो डॉलर खत्म हो चुके हैं। ओके। IMF भी पैसे नहीं दे रहा, वो पैसे भी हमने खत्म कर दिए जो उन्होंने पहले दिए थे। ठीक है, तो खादिम आला की तारीफ में आफरी आफरी पेश। जी जी प्लीज प्लीज। वाह 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 वाह, ये आफरी आफरी ताडे लो आखरी आखरी होवे। जी वाह भाई। ओके अच्छा, ये होते सर असल फनकार। एक डॉलर नहीं बचा, उसने गाया कुछ नहीं। सारे डॉलर निगल के हजम कर गए, IMF के भी पैसे खत्म कर गए। घर में चूल्हा है पर उसमें तेल नहीं, इस हुकूमत के मुल्क से मेल नहीं। जिसने लूटा है सारा बजट यार का, रहीम यार का खाने वाल का। जिसने की है कराची की ऐसी तैसी, मुल्क को सजा दी है ऐसी ऐसी। इनको सर पे सवार हमारे किसने किया, झूठ का बोल बाला यूं किसने किया। अकल मोटी इनकी जेब 10 फुट बड़ी, गाड़ी जायदाद है इनकी 100 फुट बड़ी। खादिम आला की, खादिम आला की, खादिम आला की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे जा नशी। आफरी 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 आफरी, खादिम आला की तारीफ मुमकिन नहीं। वाह। अब ये गा के सुनाए। कहो जो बंदे ने पूछे ना, भाई तुझे शादी नहीं की थी? बस मैं मुल्क के बारे सोच रहा, टाइम नहीं मिले। जैसे इन्होंने अभी बात की कि खादिम आला की तारीफ मुमकिन नहीं, ये जो इन्होंने लिखा है लिखते भी खुद ही हैं, और जो ये लिखते हैं उसके लिए ऑब्जर्वेशन बड़ी जरूरी है। एक इंसान का सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। नॉर्मली आप एक सेंसिटिव आदमी? काफी। अच्छा, नहीं मैं उस हवाले से नहीं पूछ रहा था। वो तो पूछना चाहिए ही नहीं, अखा ना ली ऐसा गैप। काफी मलाइका में और मरियम नवाज में क्या चीज सिमिलर है? बताऊं? बताइए। कुछ रोज पहले मलाइका जिक्र कर रही थी कि इन्होंने फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री किए थे। अभी रिसेंट इंटरव्यू में मरियम नवाज ने भी ये बताया कि वो जब जेल में थी तो उनके पास इस्त्री नहीं थी, तो ये उनकी स्ट्रेंथ थी कि वो फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करती। अच्छा, इसमें मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पे मैं इंशाल्लाह रेंट भी करने वाला हूँ कुछ अरसे में। इसका मतलब ये ना मलाइका खाना बनाती है ना मरियम नवाज ने कभी खाना बनाया। क्यों? क्योंकि एक फ्राई पैन में अगर एक दफा खाना बन जाए ना तो दोबारा वो कपड़े प्रेस करने के काबिल नहीं है। देखे मेरी बात सुने, फ्राइंग पैन को अच्छे से धो के जी जी पोचा लगाए उस पे। अगर ये कभी अपने घर पे खाने की दावत दे तो मत जाइए, फ्राई पैन में पोचा मारती है। अच्छा सर, सही कह रही है, आपने कभी धोयो तो बताओ। ऐसे ही होता सर। क्या बात है मरहूम तेरी भी, नवाज अंजम दी नो होंगी ना।
ये भी एक तरीका है, ये एक इल्म है, एक जुगाड़ है जो पाकिस्तानी लगा रहे हैं और पूरी दुनिया में ही लगता है। और वैसे तो पहले हुआ ये करता था कि गलियों में आया करते थे इस्त्री वाले, तो वो आके घरों के सामने खड़े हो जाते थे और उनके पास वाकई एक फ्राई पैन टाइप की ही एक इस्त्री होती थी, गोल सी, जिसको वो पूरे कपड़ों पे वो फेरा करते थे। पुराने दौर की बातें, कोयला भर के वो चलाई जाती थी, कोयला भर के वो चलाई जाती थी। तो इस्त्री वगैरह तो उसके बाद आई है, बट दैट पॉइंट आई वॉज ट्राइंग टू मेक वॉज कि इससे हमें सीखने की जरूरत है, वो ये कि बहुत मरतबा ऐसा होता है कि हम बिल्ली पाल लेते हैं चूहा मारने के लिए, जबकि हमें करना ये चाहिए कि चूहे से लड़ना चाहिए, बिल्ली नहीं पालनी चाहिए। क्योंकि वो जो बात है कि अगर आप बिल्ली पालेंगे उसके दूध के लिए भैंस रखेंगे, भैंस पालने के लिए आदमी रखेंगे, उसके चरने के लिए खेत लेंगे, खेत को संभालेंगे तो घर संभालने के लिए औरत चाहिए, तो जिंदगी कहीं 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 निकल जाती है। इसलिए हम बहुत मरतबा ये करते हैं कि कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का लाजमी पार्ट एंड पार्सल बना लेते हैं, जबकि वो हमारी ज़रूरियात नहीं होती, जो अब हालात हाजरा ने बना दी कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, जो होना चाहिए वो है नहीं। और मैं एक कैंपेन शुरू करना चाहती हूँ। वो क्या? कि बगैर इस्त्री के कपड़े पहने तो कोई बात ना करे। इस्त्री करने में बहुत मेहनत भी लगती है, बहुत ज्यादा टाइम भी जाता है। ये जो बराह रास्त पैगाम था इर्जा खान का, ये इनकी सास के लिए था, उन्होंने सुन लिया होगा। इस्त्री की वजह से ना लड़ा करें, बहुत मेहनत होती। बगैर इस्त्री तो कहते कपड़े पाओ। जी जी, ये प्रेस मैन देखे ना अपने कपड़े दे के इंज फिर रही होती, जे मैं एमरजेंसी दे बाहर नहीं बंदा फिर। मैं इसी टेंशन से तो आजाद होना चाहती हूँ। और तू सीरदार सावला के 200 रुपए लाके अपनी इस्त्री ठीक नहीं करा रही, पूरी कौम को गुमराह कर रही। गिले गिले ते मुंह च दो कोले पा लो बस। असि ते कपड़े आ गए, अगे सुट देदा उते लेटदा वा ते ठीक हो जांदा। ये सारी इम्प्रैक्टिकल चीजें जो इसका बेस्ट हल है ना मेरे ख्याल में, वो ये कि इस्त्री करवा लें। ऐसे लगेगा जैसे कपड़े इस्त्री हुए हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड। चाइना दा चिंगची हुंदा ना। मरहूम ने जी जी एक गाड़ी रोकी, रोड पे खड़ा हुआ था और उसके अंदर कपड़े फेंक दिए। अच्छा। तो वो गाड़ी वाला बड़ा गुस्से हो गया, तो बोला तुम्हें तमीज नहीं है क्या? किया कह रहे भाई आपकी गाड़ी पे प्रेस लिखा हुआ। वाह वाह, आपने हक अदा कर दिया इसका, बहुत शानदार। नाज़रीन ये था आज का शो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।